Hello everyone, welcome back to Analyze Study Channel. I am going to teach you NCERT Science Class 7th Chapter 2. The name of chapter is Nutrition in Animal. In this chapter we will study about nutrition in animal. You have learned in the chapter 1 that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं जो प्लांट होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस की तरीका से प्रोसेस से, लेकिन एनिमल नहीं. वो एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट एज डायरेक्टली बाई ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाई ईटिंग एनिमल दैट आर ईट प्लांट. या तो एनिमल जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं. एनिमल डू नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, दे डिपेंड ऑन द प्लांट और एनिमल. सच एज हर्बीवोरस एनिमल ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट. जैसा कि जो एनिमल होता है वो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाता है, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो उस एनिमल को खाते हैं जो प्लांट खाते हैं. इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि सभी एनिमल जो हैं प्लांट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं. डायरेक्टली डिपेंड हर्बीवोरस होते हैं. जैसे मान लीजिए जो हर्बीवोरस एनिमल होता है प्लांट ईटिंग एनिमल, वो प्लांट प्रोडक्ट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाता है, और जो कार्निवोरस होता है वो एनिमल खाता है. तो यदि मान लीजिए डियर है, डियर ईट ग्रास, ग्रास को जो डियर खाता है, यदि ग्रास नहीं होगा तो डियर नहीं होगा, फिर लायन क्या खाएगा. इस तरह सभी एनिमल प्लांट पर डिपेंड होते हैं. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट मोड ऑफ इनटेक फूड एंड इट यूटिलाइजेशन द बॉडी. और एनिमल जो होते हैं उनका जो भोजन लेने का जो मोड होता है मतलब डिफरेंट होता है, और उसकी उनकी बॉडी जो है यूटिलाइजेशन करती है. यू हैव स्टडी इन क्लासिक्स दैट फूड कंसिस्ट मैनी कॉम्पोनेंट. जैसा आपकी क्लासिक्स में पढ़ चुके हैं फूड जो है उसके अंदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं. ट्राई टू रिकॉल एट लीस्ट देम. जैसा कि हम लोग क्लासिक्स में पढ़ चुके हैं फूड है मेजर कॉम्पोनेंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, रफेज, वाटर एंड मिनरल. द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. जो फूड के कॉम्पोनेंट कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट यूटिलाइज एज सच. उसको डायरेक्टली यूटिलाइज हमारी बॉडी नहीं कर सकती. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल सब्सटेंस. इसलिए वो जो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्पोनेंट होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन करना होता है. द ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इनटू द सिंपल सब्सटेंस इट्स कॉल्ड डाइजेशन. और उस प्रोसेस को जब सिंपल सब्सटेंस को हम ब्रोकन डाउन कर देते हैं उसे हम डाइजेशन कहते हैं. द प्रोसेस बाई विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन टू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. ये डाइजेशन का डिफिनेशन है. यू विल लर्न दिस. अब बात करते हैं डिफरेंट वे ऑफ द टेकिंग फूड. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. जो मोड होता है फूड लेने का सभी ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है. बी एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर फ्रॉम द प्लांट. बी और जो हमिंग बर्ड होती है वो प्लांट से अपना जूस सक करती हैं, चूसती हैं. इनफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड द मदर्स मिल्क. और इनफेक्ट जो होता है जो छोटा बच्चा होता है माँ का दूध होता है वो भी सक करता है. स्नेक लाइक पाइथॉन्स फॉलो द एनिमल दे प्रे अपॉन. और स्नेक और जैसे कि अजगर जो होते हैं वो अपना जो भोजन जो शिकार होता है उसे निगल लेते हैं. सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर एनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम. और कुछ जलीय जानवर होते हैं जो पानी में तैरते हैं उनको फिल्टरिंग करके अपना भोजन लेते हैं. इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो भोजन लेने का तरीका है सब में अलग अलग तरीके से लेते हैं. जैसे कि जो बी होती हैं वो भोजन को चूसती हैं, सक करती हैं, और जो छोटा बच्चा होता है अपने माँ से दूध जो है वो सभी को भी सक करता है. जैसे कि एनिमल है और अजगर है वो सब अपने भोजन को निगल लेते हैं, और ह्यूमन अपना भोजन को दांत से चबा कर खाते हैं. ये तरीका होता है, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का जो फूड लेने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है. एक्चुअली 2.1 में बताया गया है कि जो भी टेबल 2.1 में एनिमल दिए गए हैं वो क्या खाते हैं, किस प्रकार के भोजन खाते हैं, उनका खाने का तरीका क्या है, उसको फिल करना. जैसे कि स्क्रैपिंग करते हैं, चीविंग करते हैं, सॉपिंग करते हैं, कैप्चरिंग करते हैं, स्वेलिंग करते हैं, स्पॉन्गिंग करते हैं, सकिंग करते हैं. ये सारे तरीके जो हैं उनको लिखना है. अब बात करते हैं हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन. मनुष्यों में जो पाचन होता है वो कैसे होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें. वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट.
हम जो है भोजन को माउथ के रास्ते लेते हैं और हमारी बॉडी जो है इसको डाइजेस्ट करके यूटिलाइज करती है। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, और जो अनयूज पार्ट ऑफ फूड होता है वो डिफेक्टेड हो जाता है। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड जाता है उसके साथ क्या होता है। फूड पास थ्रू द कंटिन्यूस कैनल विच बिगेन एट द वोकल कैविटी एंड एंड एट द एनस, जो हमारा फूड होता है बहुत डिफरेंट कंपार्टमेंट से गुजरता है, वो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके ख़त्म होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, और इस कैनल को हम वेरियस कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहला जो है बकल कैविटी है, फिर फूड पाइप है, इस तरह आप लोग देख रहे होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, इंडी द रेक्टम है एंड एनस है। इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पैथ, क्या है बहुत लंबा पैथ नहीं है। दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल, और ये सारे पार्ट मिलकर एलिमेंट्री कैनल बनाती हैं जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्ट एज ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, और फूड जो है इन वेरियस कंपार्टमेंट ट्रेवल करता है, इस तरह ये डाइजेस्ट होता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक, बात करते हैं द इनर वॉल ऑफ स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सलाइवरी ग्लैंड, और जो इनर वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसमें बहुत सारी ग्लैंड होती हैं, जैसे कि ग्रंथियां होती हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड होती है, लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस जो डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं, और दिस डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू द सिंपल सब्सटेंस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस डाइजेस्टिव जूस जो है बनाया जाता है, दे टुगेदर कंसिस्ट डाइजेस्टिव जूस। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हमारा माउथ है, इसमें इसको हम बकल कैविटी कहते हैं, यहाँ से जैसे ही भोजन हम माउथ के अंदर लेते हैं उसे इंजेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भी फूड है इसमें हमारे टीथ होते हैं, टीथ इंक्लूड होता है, टंग इंक्लूड होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये जो है बकल कैविटी में इंक्लूड होती है। तो यहाँ से हम भोजन इनटेक करते हैं, यहाँ पे ये फूड पाइप होता है, ये हमारे नेक से यहाँ थ्रोट से स्टार्ट होता है और स्टोमक पे आके ख़त्म होता है। तो यहाँ पे एसोफेजस जो होता है फूड पाइप को कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ पे ये हमारा स्टोमक है, स्टोमक में जो है भोजन पहले आता है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो देख रहे हैं आप लोग ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये रेटंग है, ये एनस है, ये लीवर है, और ये गॉल ब्लैडर है। ये जो होते हैं इतने ट्रैक से फूड को गुजरना पड़ता है। सबसे पहले जैसे ही हम भोजन को च्यू करते हैं ये क्या होता है फूड पाइप्स होते हुए हमारे स्टमक में आता है, और स्टमक में जो होता है कि हमारा जो स्टमक है डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है और वहाँ पर फैट डाइजेस्ट होता है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, ये पेनक्रियाज है जो पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, और ये आप देख रहे हैं लीवर है, लीवर जो है बाइल जूस निकालता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो इस तरह ये आता है यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आप लोग देख रहे होंगे। सब्सटेंस ऑफ द फूड इन सिंपल सब्सटेंस द डाइजेस्टिव ट्रैक एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंसीव द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जितने भी सब्सटेंस हैं जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, जैसे लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, उन सबको मिलाकर हम लोग उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब बात करते हैं द माउथ, द माउथ एंड बकल कैविटी, माउथ जो होता है उसे बकल कैविटी कहते हैं। माउथ में जैसे बकल कैविटी में हमारा टंग हो गया, टीथ हो गया, और सलाइवरी ग्लैंड हो गया। फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ, जैसे कि हम भोजन लेते हैं माउथ के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, और उस प्रक्रिया को जिसे हम भोजन को माउथ के अंदर लेते हैं उसे हम इंजेशन कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू लर्न दिस। वी च्यू द फूड विद आवर टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू द स्मॉल पीसेस, हम अपने टीथ की सहायता से भोजन को चबाते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ईच टूथ रूटेड अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, और सभी जो टीथ होते हैं सेपरेट सॉकेट गम्स से जुड़े होते हैं। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हमारा जो टीथ होता है देखने में अलग होता है और उनके जो फंक्शन होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंग दे आर गिवन डिफरेंट नेम, इस तरह उनका अलग अलग नेम दिया गया है, जैसे कि आप लोग इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो टीथ का फिगर है मोलार, ये जो सबसे लास्ट में जो टीथ होते हैं यहाँ पे
कॉर्नर में, उसे हम मोलर कहते हैं, इसे प्री मोलर कहते हैं और इसे कैनाइन कहते हैं। यहाँ पे ये जो दो तीत दिखाई दे रहे हैं और ये जो सामने के जो चार तीत होते हैं ये इंसीजर हैं। सबका अलग अलग काम होता है। जैसे मोलार जो होता है ग्राइंडिंग टीथ होता है, प्री मोलार जो होता है चीविंग और ग्राइंडिंग दोनों काम करता है, और कैनाइन का जो काम होता है ये टीयरिंग टीथ होता है। जैसे मान लीजिए हमें कोई पैकेट फाड़ना है तो इन सब टीथ का हम इस्तेमाल करते हैं, और जो इंसीजर होता है ये कटिंग टीथ होता है। ऐसे हम क्या करते हैं, चीज़ों को काटते हैं या बाइट करते हैं। तो इस टेबल 2.2 में फील करना है कि कितने टीथ जो होते हैं कटिंग होते हैं, कितने बाइटिंग होते हैं, लोअर जा में कितने होते हैं, अपर जा में कितने हैं, टोटल फिर यहाँ पर काउंट करके लिखना है। सबको काउंट करके ऐसे इस फिगर की सहायता से आप लोग इसको लिख सकते हैं। आवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्रैंड विच सीक्रेट सलाइवा। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्रैंड होती है जो एक सलाइवा छोड़ती है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। क्या आपको पता है कि सलाइवा के फंक्शन है वो क्या है, सलाइवा का क्या कार्य होता है, उसको हम लोग एक्टिविटी 2.3 में पढ़ेंगे। टेक टू टेस्ट ट्यूब। हमें दो टेस्ट ट्यूब लेना है, लेवल देम ए एंड बी। उनमें पहले में ए लिख देना, दूसरे में बी। इन द टेस्ट ट्यूब यू पुट द सम टेबलस्पून ऑफ बॉयल्ड राइस। और टेस्ट ट्यूब में कुछ बॉयल्ड राइस रखना है। इन टेस्ट ट्यूब यू कीप 1 टीस्पून ऑफ द बॉयल्ड राइस आफ्टर अचीविंग इट फॉर 3-2 मिनट। और दूसरे टेस्ट ट्यूब बी में हमें क्या करना है, बॉयल्ड राइस उसमें भी लेना है लेकिन उसको 3-5 मिनट तक चबा कर रखना है। फिर क्या करना, ऐड 3-4 ml वाटर बॉथ टेस्ट ट्यूब, और दोनों टेस्ट ट्यूब में 3-4 ml आयोडीन सोल्यूशन को उसमें डालना है। वाटर 3-4 ml वाटर दोनों टेस्ट ट्यूब में डालना है, टेस्ट ट्यूब ए और बी में। नाउ पोर द 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। उसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालना है, और फिर उसके बाद ध्यान देना है क्या हो रहा है उनके साथ। व्हाई देयर चेंज इन कलर इन द ट्यूब। जो ट्यूब का कलर है वो क्यों चेंज हो जाता है। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड टीचर। इस रिजल्ट को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ इसका डिस्कस करें। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर। जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। द टंग इज फ्लैसी मसल्स। टंग जो होता है वो फ्लैसी मसल होता है। अटैच द बॉक्स बैक टू द फूड फ्रॉम द बकल कैविटी। बकल कैविटी के पीछे वो अटैच होता है। इट इज फ्री एट द फ्रॉम एट फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। ये बकल कैविटी से फ्री होता है, उसमें जुड़ा नहीं होता। इट इज फ्री एट द फ्लो एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। और ये सभी दिशाओं में घूम सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग। क्या आपको पता है जो टंग के फंक्शन है वो क्या होते हैं। वी यूज आवर टंग फॉर टेकिंग। हम अपना जो टंग है उसका इस्तेमाल बात करने में करते हैं। बिसाइड इट्स मिक्स सलाइवा विद द फूड एंड ड्यूरिंग चीविंग एंड हेल्प इन द स्वॉलिंग फूड वी आल्सो टेस्ट फूड आवर टंग। और टंग के जो कार्य होते हैं, मतलब वो बात करने के सिवा इसके और भी कार्य हैं, जैसे कि भोजन को चबाने में, और चबाकर जब जो चबाते हैं भोजन उसमें सलाइवा मिक्स करता है, और ये फिर क्या करता है, ये भोजन को पुश डाउन करता है हमारे फूड पाइप में, और एक काम और होता है ये भोजन का टेस्ट लेता है। इट हैज टेस्ट बड दैट डिक्टेट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। टंग के पास टेस्ट बड होते हैं जो अलग अलग तरह के टेस्ट बताते हैं। वी कैन फाउंड आउट। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो टेस्ट बड होता है टंग का, वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो है, ये जो सबसे लास्ट पार्ट होता है जो टंग का, वो बीटर होता है, मतलब ये कड़वे का स्वाद देता है, और जो सामने का पार्ट होता है वो स्वीट का, मतलब मीठे का स्वाद देता है, और ये जो पार्ट होता है ये साल्ट, मतलब कोई चीज़ नमकीन है तो उसका टेस्ट देता है, और इसके बगल में जो है वो सोर का खट्टे का हमें स्वाद देता है। इस तरह आप लोग देखें कि जो टेस्ट बड, जो टंग की, जो जीभ की स्वाद कड़िकाएँ होती हैं, ये कड़वे की स्वाद देती है, ये मीठे की स्वाद देती है, ये साल्ट की स्वाद देती है, ये खट्टे की स्वाद देती है। तो इस तरह हमारी जो स्वाद कड़िकाएँ थी जीभ में, हम उसको समझ चुके हैं। अब बात करते हैं स्वीट एंड टूथ डिके, जो मिठाइयाँ होती हैं और दांतों का सड़न। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट देयर आर नॉट हार्मफुल। सामान्यतः हमारे फूड में, माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं लेकिन हार्मफुल नहीं होती हैं। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। लेकिन कभी कभी हम इसको अपने माउथ को खाने के बाद या धोएंगे नहीं या खुला नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हैं जो ग्रो होने लगती हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्टओवर फूड एंड रिलीज एसिड। और जो भी भोजन वहाँ पर बचा होता है उसमें उसको ब्रेक डाउन करती हैं और उसे एसिड में चेंज कर देती हैं। दिस एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ।
और ये जो एसिड होता है धीरे धीरे टीथ को डैमेज कर देता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, और इसी को हम दांतों का सड़न कहते हैं। इफ़ इट इज नॉट ट्रीट इन टाइम, यदि इसका समय से इलाज नहीं किया गया तो इट के सीवियर टूथ है एंड एक्सट्रीम केस ऑफ रिजल्ट इन टूथ लॉस, तो हमारे जो दांतों में बहुत अधिक दर्द हो सकता है और हमारे दांत भी हमेशा के लिए हम खो सकते हैं। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड शुगर आर प्रोडक्ट मेजर कॉज़ ऑफ टूथ डिके, जो मेन कारण होते हैं वो भी जो शुगर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे चॉकलेट हो गया, स्वीट हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, इन सबसे जो दांतों में सड़न होती है बहुत अधिक होती है। देयरफोर वन शुड क्लीन द टीथ विद द ब्रश एंड दातून डेंटल फ्लोर, इसलिए सबको अपने दांतों को जो है ब्रश से या दातून से साफ करना चाहिए। एंड एट लीस्ट ट्वाइस ए डे एंड रिंस ए माउथ आफ्टर एवरी मील, कम से कम दिन में एक से या दो बार ब्रश करना चाहिए, या हर जितनी बार हम खाएं उतनी बार हम माउथ को साफ करना चाहिए या कुल्ला करना चाहिए। वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर एनी अनवॉशेड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, किसी को भी अपने मुंह में डर्टी फिंगर नहीं डालना चाहिए, और कोई भी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट है, वस्तुएँ जो धोई नहीं गई हैं उनको भी मुँह में हमें नहीं डालना चाहिए। अब बात करते हैं, Sometime when you eat in hurry, talk, laugh while eating, you may cough, get hiccup and choking sensation. कभी कभी हम लोग खाते समय यदि जल्दी जल्दी खाते हैं या बात करते खाते हैं या खाते हुए हंसते हैं तो ऐसे में हमें चोकिंग होता है, हमें खांसी आने लगती है। दिस हैपन व्हेन अ फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप, ऐसा इसलिए होता है कि जो फूड पार्टिकल है वो हमारे विंड पाइप में चला जाता है। द विंड पाइप कैरी एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल एंड लंग, जो विंड पाइप का काम होता है वो क्या करता है, हवा जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो नोस्ट्रिल से लंग के पास पहुँचाती है। इट रन एडजेसेंट देन द फूड टू द फूड पाइप, ए फूड पाइप के साथ साथ मतलब जाती है, उसी के सामने होती है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर कॉमन पैसेज, और थ्रोट के इनसाइड जो एयर और फूड पाइप का होता है कॉमन पैसेज होता है। देन हाउ इज फूड प्रिंटेड फ्रॉम द कैंटीन वाइंड पाइप, तो जो भोजन होता है वो फूड पाइप में कैसे जाता है, क्यों नहीं विंड पाइप में जाता है, इसको हम देखेंगे। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वालिंग ए फ्लाइक वेल वॉल्व क्लोज द पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड द फूड इन टू द फूड पाइप, जैसे ही हम भोजन इनटेक करते हैं अंदर लेते हैं तो वहाँ पे जो विंड पाइप है एक वॉल्व होता है वो क्लोज हो जाता है और भोजन जो है आसानी से फूड पाइप में चला जाता है। इफ बाई चांस फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप वी फील चोक्ड एंड गेट हाइपर एंड कफ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो फूड पाइप है उसमें ना जाकर भोजन कभी कभी विंड पाइप में चला जाता है, इसलिए हमें खांसी आती है और सारा फूड बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे फूड पाइप एंड ओसोफेजेस, जो फूड पाइप होता है उसको हम देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो फूड पाइप होता है वो फूड पाइप ओसोफेजेस, ये आप लोग देख रहे हैं फूड पाइप है, ओसोफेजेस है। द फूड पाइप ओसोफेजेस, द स्वालो फूड पास इन टू द फूड पाइप ओसोफेजेस, लुक एन द फिगर 2.2, फूड पाइप एन अलॉन्ग द नेक, यहाँ से जैसे ही हम भोजन माउथ में डालने बगल के कैविटी में वहाँ पे टीथ चिविंग करना स्टार्ट हो गया और वहाँ से भोजन जो है फूड पाइप के रास्ते होते हुए हमारे स्टोमक में आ जाता है, ये फूड पाइप है, इसे ओसोफेजेस भी बोलते हैं। ये देखिए फूड है, इस फूड पाइप के माध्यम से आएगा फिर स्टोमक में चला जाएगा। मोमेंट ऑफ द फूड पाइप इन ओसोफेजेस एलिमेंट्री कैनल, ये एलिमेंट्री कैनल में इस तरह मूव करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, एंड चेस्ट फूड इज पुश डाउन, फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप, जो फूड होता है जो फूड पाइप की वॉल होती है उसे नीचे पुश डाउन किया जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड द पुश द फूड डाउनवर्ड, और ये जो होता है पूरे एलिमेंट्री कैनल में इस तरह का प्रोसेस होता है, इस तरह भोजन हमेशा डाउनवर्ड की तरफ जाता है, जैसा कि फिगर 2.7 में आप लोग देख रहे होंगे। एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्ट बाई द आवर स्टमक एंड वोमिटेड आउट, और कभी कभी ऐसा होता है जो फूड है हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है तो हमें उल्टी आती है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिटिंग आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ रीजन फॉर इट, और उस समय याद करो जब आपको वोमिटिंग आई थी, ऐसा आपने क्या किया था या क्या खाया था जिसकी वजह से आई थी। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर, इसके बारे में अपने पेरेंट्स और टीचर से डिस्कस करें। अब बात करते हैं स्टमक की, स्टमक इज द थिक वॉल बैग, स्टमक जो होता है हमारा थिक वॉल बैग की तरह होता है। इट शेप लाइक ए फ्लैटेड यू, और इसका जो शेप होता है फ्लैटेड यू की तरह होता है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, और ये एलिमेंट्री कैनल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट द वन एंड
ये जो होता है फूड पाइप से फूड रिसीव करता है ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन अदर एंड। इसका जो अदर एंड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट मोसेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फूड के अंदर जो स्टमक का वाल होता है, इनर लाइनिंग होती है, वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ये कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। मोस्कस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलॉन्ग विद द फूड। तो जो एसिड होता है स्टमक से निकलता है वो फूड्स के साथ जो बैक्टीरिया आती है उनको किल करता है। एंड फूड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। इस तरह जो फूड होता है वो उसको पचने में, मतलब डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपल सब्सटेंस। तो डाइजेस्टिव जूस जो होता है प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। द स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली क्वाइलिड इन अबाउट 75 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो क्वाइलिड होता है, मतलब गोल सा होता है ऐसे, जैसे क्वाइल होती है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज, बिसाइड इट आल्सो सिक्रेट जूस। और ये जो होता है जो जूस डाइजेस्टिव जूस होता है, पेनक्रियाज सिक्रेट करता है, लीवर सिक्रेट करता है, उसको रिसीव करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है और जो लीवर होता है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये सारे जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है और भोजन के सारे कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन एंड राइट साइड। लीवर जो है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है जो कि एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में सिचुएटेड होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और लीवर जो होता है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे इस पॉइंट को। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ब्लाइंड लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सीक्रेट बाइल जूस। लीवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है दैट स्टोर इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। वो सैक की तरह एक स्टोर होता है जूस, बाइल जूस, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। और जो बाइल होता है वो इम्पॉर्टेंट, मतलब जो फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। पेनक्रियाज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। और पेनक्रियाज जो होता है स्टमक के नीचे होता है, ये क्रीम कलर का होता है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट द कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन चेन फ्रॉम द इनटू सिंपल फॉर्म। और पेनक्रियाटिक जूस जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और ये सिंपल सब्सटेंस में चेंज करता है। इस तरह हम लोग देख रहे हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे सारे तरह के भोजन डाइजेस्ट हो रहे हैं। द पार्टली डाइजेस्ट फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। और जो थोड़े डाइजेस्ट फूड होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में जाते हैं और वहाँ पे भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। जैसे जितने भी कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, हम देख रहे हैं सारे वहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू द सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपल शुगर में ब्रेक होता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। फैट एंड फैटी एसिड ग्लाइसरॉल एंड प्रोटीन एंड इनटू अमीनो एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल शुगर में और ग्लूकोज या तो ग्लूकोज में। अब फैट जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड में या ग्लाइसरॉल में। और प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। द डाइजेस्ट फूड कैन नाउ पास इनटू द फूड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। और जो डाइजेस्ट फूड होता है वो क्या करता है, ब्लड वेसल में जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके द्वारा पहुंच जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके जो इनर वॉल होती है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एरिया इंक्रीज कर देते हैं और वहाँ से जो डाइजेस्टेड कंपोनेंट ऑफ फूड हैं वो सारे हमारे ब्लड में पहुँच जाते हैं। द इनर वाल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोम दीज आर कॉल्ड विली। तो इनर वाल का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वाल होता है उसमें लगभग थाउजेंड फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं जिसे हम विली कहते हैं। विली किसे कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विली का रोल क्या होता है, यहाँ पर आगे हम देखेंगे।
द व्हीली इंक्रीज द सर्फेस एरिया वजूसन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड. ये क्या करता है, वो सर्फेस एरिया को बढ़ा देता है जो फूड डाइजेशन में हेल्प होता है. इच व्हीली हैज नेटवर्क जो थीन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू द सर्फेस. और सभी व्हीली का नेटवर्क होता है ब्लड वेसल से. द सर्फेस ऑफ द व्हीली अब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल. और व्हीली जो है वो सर्फेस जो उसका होता है जितने भी फूड मटेरियल है उनको ऑब्जॉर्ब करती है. ऑब्जॉर्ब सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट टू द व्ही वाई द ब्लड वेसल डिफरेंट ऑर्गेन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज फॉर बिल्ड कंप्लेंट सब्सटेंस. और जो भी ऑब्जर्व मटेरियल होता है, जो भी फूड कंपोनेंट विली जो ऑब्जर्व करता है, वो सारे पार्ट में पहुंच जाता है बॉडी वेयर द यूज सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाई बॉडी दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन. और जब फूड जो फूड जो है कंपोनेंट जो है डाइजेस्ट फूड वो सारी बॉडी में ब्लड के माध्यम से पहुंच जाता है, वहां से जो बॉडी के जो सेल होते हैं उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम एसिमिलेशन कहते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेंगे इसको एक बार. इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. और सेल में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की सहायता से ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में एनर्जी रिलीज, उस समय एनर्जी रिलीज होती है. द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब इंटर द लार्ज इंटेस्टाइन. और जो फूड होता है अनडाइजेस्टेड होता है वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है लेकिन वो चौड़ा होता है. इट इज अबाउट 1.5 meter लेंथ. उसकी जो लंबाई होती है 1.5 meter होती है. इट फंक्शन इज टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. इसका कार्य ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन का कि जितने भी फूड होते हैं अनडाइजेस्टेड उसमें से जो वाटर होता है और साल्ट होता है उसको ऑब्जर्व करना. द रिमेनिंग वेस्ट पास इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर अ सेमी सॉलिड फेस. और जो रिमेनिंग वेस्ट होते हैं वो रेक्टम में चले जाते हैं, वहाँ पर सेमी सॉलिड फेस में मौजूद होते हैं. द फेसल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम. और जो फेसल मैटर होते हैं एनस के रास्ते समय समय पर निकलते हैं. दिस इज कॉल्ड इजेशन. और उस प्रक्रिया को हम इजेशन कहते हैं. तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका काम क्या था. जो भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. और वहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर और साल्ट लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व कर लेती है और उसके बाद उसको रेक्टम में स्टोर कर देती है. फिर वहाँ से एनस के रहते हैं समय समय पर वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलते हैं, जैसा कि हम लोग टॉयलेट में जाते हैं और एनस के रास्ते जो भी चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. वेलकम बैक टू एनल. थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. एंड रिमेनिंग चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट पार्ट.